ढाई इंच के पहिए से दिया जा रहा संदेश। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर विश्व भर में विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में भारत पर्यटन वाराणसी और वाराणसी रोलर एंड एक्सकेटर्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में स्केटिंग रैली का आयोजन किया गया। यह रैली विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर 27 सितंबर को वाराणसी से शुरू हुई और लखनऊ के लिए प्रस्थान किया गया। यह स्केटर्स रैली सुल्तानपुर जनपद के चांदा कस्बे से होकर गुजरी। स्केटिंग रैली कस्बे वासियों के लिए कौतूहल का विषय बनी रही। स्केटर सोनी चौरसिया ने बताया कि हमारा मुख्य उद्देश्य लोगों में नारी सशक्तिकरण, नारी सुरक्षा, स्वच्छता ही सेवा है। वैक्सीनेशन और स्वच्छ भारत पर्यटन समेत विभिन्न प्रकार की जागरूकता फैलाना है ताकि हमारे समाज में विकास के क्षेत्र में और तीव्र गति लाई जाए। सोनी चौरसिया ने आगे बताया कि 27 सितंबर से प्रारंभ यह स्केटिंग रैली 2 अक्टूबर तक इसी प्रकार जारी रहेगी। स्केटिंग रैली वाराणसी से शुरू होकर जौनपुर, चांदा, सुल्तानपुर, जगदीशपुर और हैदरगढ़ होते हुए लखनऊ तक जाएगी। शाम हो जाने के बाद इन स्थानों पर स्केटर्स विश्राम करेंगे। एसोसिएशन के प्रेसिडेंट राजेश डोगरा ने बताया कि यह सभी स्केटर्स राजेश डोगरा रोलर एंड स्केटर्स एसोसिएशन के स्टूडेंट्स हैं। यह कार्यक्रम आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आयोजित किए गए हैं। लाइव टीवी समाचार के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सोनी चौरसिया। हम लोग स्केटिंग पे ढाई इंच के पहिए पे काशी से अवध की यात्रा कर रहे हैं, जो कि हमारे साथ 30 सदस्यीय दल है। हम लोगों ने बनारस से ये शुरू किया है और ये लखनऊ 2 अक्टूबर को समाप्त होगा। हमने विश्व पर्यटन दिवस पे इसका आगाज किया है कि लोग जन जन तक संदेश जाए। हम जैसा कि हमारा मेन उद्देश्य इस रैली का यही है कि नारी सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वच्छता ही सेवा है, ताकि जन जन में ये संदेश जाए। क्योंकि स्वच्छ रहेगा तभी आपके घर में किसी प्रकार का कोई बीमार नहीं पड़ेगा और बीमारी मुक्त समाज, जिसमें कि हम आह्वान कर रहे हैं लोगों से कि वैक्सीन लगाएं और अपने अपने घर को, अपने समाज को और देश को सुरक्षित सबल बनाएं। इसी के साथ साथ हम लोगों ने जब बनारस से, हमारा 6 नाइट हॉट है, हम बनारस से चल के पहला हमारा स्टॉपेज जौनपुर था, अब दूसरा आप देख रहे हैं आपके शहर में चांदा में है, तीसरा हमारा यहाँ से सुल्तानपुर होगा, चौथा जगदीशपुर, उसके बाद हैदरगढ़ और फिर हम लखनऊ में इस रैली का समापन करेंगे। मेरा नाम राजेश डोगरा है, मैं वाराणसी में वाराणसी रोलर स्पोर्ट्स एसोसिएशन है उसका प्रेसिडेंट हूँ। और ये जो कार्यक्रम हो रहा है, जो हम लोग यहाँ पर चांदा पहुँचे हैं, ये भारत पर्यटन वाराणसी और वाराणसी रोलर स्पोर्ट्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में राजेश डोगरा रोलर स्केटिंग स्कूल के बच्चे हैं। ये वाराणसी से पर्यटन दिवस 27 तारीख को कल शुरू हुआ है कार्यक्रम, और आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत ये कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें हम लोग का 30 सदस्यीय दल साथ में चल रहा है, हमारी सपोर्टिंग व्हीकल साथ में है। और रास्ते में हम लोग जहाँ से भी गुजर रहे हैं, हमारे हाईवे पे आसपास जितने भी गांव पड़ रहे हैं, वहाँ पे हम लोग जा करके जागरूकता का कार्य कर रहे हैं। जैसे वैक्सीनेशन का इस समय सबसे जो महामारी फैली हुई है, अभी लग रहा है कि सामान्य स्थिति है, लेकिन तीसरी लहर आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो इसके लिए हम लोग लगातार अपने इस रोलर स्केट के माध्यम से जहाँ तक पहुँच हम लोग की हो पा रही है, वहाँ पहुँच रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और दूसरा, नारी सशक्तिकरण, तो उसका प्रतीक सीधे हमारे साथ वैसे ही 15 लड़कियाँ हैं, आप देख रहे हैं, साहसिक कार्य करते हुए आ रही हैं, और इनके माध्यम से जब लोगों को बताया जा रहा है तो उसका भी कुछ समझ में आ रहा है कि असर पड़ता है। और तीसरा हमारा स्वच्छ भारत का है, स्वच्छता के लिए, और हमारे ये पर्यटन मंत्रालय हमारे साथ मिल करके ये काम कर रहा है, जिसके लिए उन लोगों ने हम लोगों को चुना है। और मैं खुद भी 15,000 किलोमीटर की यात्रा कर चुका हूँ पहले रोलर स्केट्स पे, और इसीलिए भारत सरकार ने हमारे पर पूरा विश्वास करते हुए इतने लड़के और लड़कियों को सड़क पे जाने के लिए इजाज़त दी। मेन हमारे साथ सोनी चौरसिया है, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और ये पूरे ग्रुप का संचालन कर रही हैं।
अब आगे रास्ते का ये बता। खबरों की दुनिया में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल लाइव टीवी समाचार के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताजा अपडेट के लिए दबाना ना भूलें बेल आइकन। नमस्कार।